नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने छोटे बच्चों के बॉडी हेयर्स को कैसे रिमूव कर सकते हैं। वैसे तो कुछ महीनों के बाद छोटे बच्चों के जो बॉडी हेयर्स होते हैं वो अपने आप ही रिमूव हो जाते हैं। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप इस होम रेमेडी को ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो फ्रेंड, वैसे तो बेबी बॉडी हेयर्स को रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन सारे तरीके तो इस एक वीडियो में मैं आपको शेयर नहीं कर पाऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज एक इजी एंड सुपर इफेक्टिव रेमेडी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो मैंने अपने बेबी पर ट्राई किया है। फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं मानेंगे, इसका जो रिजल्ट है वो बहुत ज़्यादा कमाल का है। लेकिन हाँ, एक बार के यूज़ करने से आपको 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन आप इसे वीक में 3 बार यूज़ करते हो तो डेफिनेटली 100% रिजल्ट आपको मिल जाएगी। सो फ्रेंड, तो इस रेमेडी का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेबी क्रीम। तो आप कोई भी बेबी क्रीम को ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर मामा अर्थ की बेबी क्रीम को लिया है। अगर आप इस क्रीम का रिव्यू देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैं मामा अर्थ की जो बेबी क्रीम है उसे 1 टी स्पून के करीब एक बाउल में ले लूँगी। सो फ्रेंड, इस रेमेडी को बेबी पर अप्लाई करने से पहले बेबी का पैच टेस्ट कर ले। अगर ये बेबी को सूट नहीं कर रहा है तो इसका यूज़ ना करें। सो फ्रेंड, कुछ बच्चों की जो स्किन होती है वो सेंसिटिव होती है, कुछ बच्चों की नॉर्मल स्किन होती है। तो जो सेंसिटिव स्किन वाले बच्चे होते हैं उन्हें कुछ भी अप्लाई करने से उनको दाने हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपके बच्चे की स्किन किस तरह की है। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टी स्पून के करीब मसूर दाल का पाउडर, और बस हो गया। तो हमारा जो रेमेडी है वो बनकर रेडी होने वाला है। हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है। उस समय तक मिक्स करना है जब तक कि हमारा कि स्मूथ पैक बनकर रेडी ना हो जाए। और अगर आपको तैयार किया हुआ पैक थोड़ा थिक लग रहा है तो आप इसमें थोड़ी सी बेबी क्रीम को और ऐड कर लीजिए। अब हम इस पैक को बेबी को जहाँ जहाँ एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है, जैसे शोल्डर एरिया हो गया, चिक एरिया हो गया या फोरहेड हो गया, वहाँ पर हम इसे अप्लाई कर लेंगे और जेंटली 2 मिनट के लिए हम इसे मसाज करेंगे। फिर कुछ सेकेंड्स के लिए हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पर आपको सर्कुलर मोशन में धीरे धीरे बेबी को मसाज करना है। जहाँ पर भी एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ है आपको धीरे धीरे मसाज करना है, आपको तेजी से नहीं करना है, नहीं तो बेबी को रैसेस होने की भी डर रहते हैं। तो ये जो मसूर दाल का पाउडर हमने लिया है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। जो एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं उनको तो रिमूव करता ही है, साथ में बॉडी में जो भी एक्स्ट्रा डेड स्किन सेल्स होते हैं उन्हें रिमूव कर देता है, बॉडी को शाइन और ब्राइट भी बनाता है। 2 मिनट मसाज करने के बाद आप इसे कुछ सेकेंड्स के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये ड्राई हो सके। ड्राई होने के बाद आप देखेंगे कि ये हल्का सा ऑयली ऑयली सा आपको दिखेगा, तो आप इसे स्क्रब करके बॉडी पर से हटा लेंगे। उसके बाद आप बच्चे को नहला सकते हैं। फ्रेंड, आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो पैक है वो ड्राई हो गया है। कुछ सेकंड्स लगते हैं इसे ड्राई होने में। उसके बाद सर्कुलर मोशन में स्क्रब करके इसे मैं स्किन पर से हटा लूंगी। ऐसा करने से जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं बेबी की बॉडी पर वो सब रिमूव हो जाते हैं। इस रेमेडी में हमने बेबी क्रीम को ऐड किया है जिस वजह से ये बेबी की स्किन को डीपली मॉइस्चराइज करता है, हाइड्रेट रखता है। तो फ्रेंड, इस रेमेडी को अप्लाई करने के बाद आप बेबी को बाथ दे सकते हैं, बेबी को नहला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। ये होम रेमेडी इतना ज़्यादा इफेक्टिव होता है कि ये बेबी के बॉडी हेयर्स को तो रिमूव करता ही है, साथ ही बेबी के स्किन को सॉफ्ट, ग्लोइंग, ब्राइट और फेयर भी बनाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए टेक केयर, बाय बाय।